हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का पार्ट फर्स्ट, उसमें से प्रॉब्लम सेट 6 में से क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन 1 देखिए क्या है। फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी अल्टरनेटिव गिवन। देखिए क्या करना है आपको, करेक्ट आंसर चूज करके लिखना है। तो देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट देखिए क्या दिया है, द पर्संस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 14%। द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्संस बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप इज टू बी शोन बाय ए पाई डायग्राम। व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ एंगल फॉर द पर्संस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ओ ब्लड ग्रुप का अगर आप क्या करोगे, 14% अगर पाई डायग्राम पे दिखाओगे तो उसमें क्या बोला है कि टोटल मतलब 14% का पाई डायग्राम में 360। देखिए आप सर्कल लोगे तो कितने का होगा, 360 डिग्री का एंगल। तो देखिए इस तरह से क्या किया, अगर हम एक सर्कल निकालते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो ये हमारा टोटल जो कितने का होगा, 360 डिग्री एंगल का होगा। तो हमें बोलना है कि इस सर्कल में 14% का कितना हिस्सा आएगा, ये मतलब अगर आपका जो है वो क्या है, 14% है, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल 360 डिग्री एंगल है, यानी यहाँ पे हम 360 डिग्री मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 40% है, तो 40% हटा दिया तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड हो जाएगा। 14 का परसेंटेज हट गया तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 0 गेट कैंसिल, ये 0 0 गेट कैंसिल। 4 से 36 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 6 34 कितना होगा, 24। 24 का 4 और 2 कैरी इसको गया, 4 2 4 3 12 प्लस 2 यानी 44, और इसका डिग्री गया, यानी इसका जो 360 डिग्री में 14% का कितना आएगा इस तरह से, ये सर्कल का सेंटर है तो टोटल इतना इस तरह से क्या आएगा, यहाँ पे इसका हिस्सा 144% डिग्री एंगल आएगा इस तरह से। समझ में आ गया आपको, तो इस हमारा जो आंसर है वो क्या है, 144 है। तो यहाँ पे हमारा 144 आंसर क्या है, देखिए डी है, हमारा आंसर जो क्या है, डी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट सेकेंड देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन, डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड ऑन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग वेयर शोन पाई डायग्राम। द एक्सपेंडिचर्स रुपीज 45,000 ऑन सीमेंट वॉज शोन बाई ए सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 17%। देखिए क्या दिया गया है, डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स है उनका जो है सीमेंट का, वो कितना है टोटल 45,000 है, और उस पर जो है वो पाई डायग्राम पे कितना है, 75% टोटल है, तो टोटल एक्सपेंडिचर्स कितना खर्च होगा वो क्या करना है आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम क्या करेंगे, हमारा जो है वो क्या बोले उन्होंने कि ये इस तरह से क्या है, पाई डायग्राम, पाई डायग्राम यानी सर्कल है, ये हमारा जो है साइकिल का, तो इसमें से हमारा जो है एक्सपेंड 75% है, सॉरी 75 डिग्री एंगल जो है वो इसका है, 75 डिग्री एंगल ये किसका है, एक्सपेंडिचर यानी हमारा, और ये हमारा 45,000 ये क्या है, एक्सपेंडिचर्स। हाँ तो इसमें से हमें क्या करना है, टोटल एक्सपेंडिचर्स कितना खर्च हुआ वो फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस तरह से क्या करने का है, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, फर्ज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है हमारा वो क्या आएगा, यहाँ पे आपका देखिए 75 डिग्री एंगल जो कित पे 45,000 पे, हाँ उसके बाद क्या देखिए हमारा 360 डिग्री एंगल का जो है तो क्या होता है, डिग्री एंगल का जो हमारा क्या होता है, सर्कल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल लेंगे, एंगल का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इक्वल टू क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर्स यानी रेशो में लेंगे एक्सपेंड, तो ये एंगल का रेशो क्या आएगा हमारा, पहले तो क्या है 75 डिग्री एंगल है उसका क्या है, तो टोटल 360 डिग्री एंगल का सर्कल होता है इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर्स जो है वो टोटल कितना है, 45,000 है, और हमें जो है क्या करना है, टोटल एक्सपेंडिचर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम एक्स कंसिडर करेंगे। तो इन लोगों की अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45,000 मल्टीप्लाई ये डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 डिग्री एंगल, और ये टोटल जो ये ऊपर है तो डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ये होगा। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, इसको अगर आप 5 से कट करो तो 5 1 5 एंड 5 5 20 5 इस तरह से आ गया, और इसको आप कर सकते हो कितना, 5 9 45 0 0 एंड 0 इस तरह से हो गया। वापस आप क्या कर सकते हो, इसको 15 से भी कट कर सकते हो या वापस 5 से भी कर सकते हो। तो 15 का अगर टेबल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 5 3 15 5 1 5 5
उसके बाद क्या आएगा 5 8 14 0 एंड 0 इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद 3 1 3 3 1 3 3 2 6 एंड 3 0 0 यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 1800 मल्टीप्लाई 120। उसके लिए क्या करेंगे पहले 30 राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए 12 8 96 का 96 और 89 कैरी गया 12 1 12 और उसमें 9 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 21 यानी हमारा क्या है 2,60,000 जो टोटल क्या है x इज इक्वल्स टू 2,60,000। तो हमारा ऑप्शंस का है देखेंगे देखिए ए में है 2,60,000 यानी ये हमारा ऑप्शन ए जो है क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूजफुल टू फाइंड। देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ कहाँ होता है वो मीडियन के लिए होता है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी क्या है सही है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है। नेक्स्ट 4 नंबर पे देखिए क्या द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन फ्रॉम अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच एंड इंटू जी एंड इन दी फॉर्मूला यू आई। क्या करना है आपको इसमें से यू आई का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो यू आई का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है देखा है किसमें हमारा जो है ना एक्सरसाइज में हमने क्या किया है देखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ग्रुप ऑफ यू आई का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें जो क्या है स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फोर्थ वाला है तो फोर्थ वाला देखिए स्टेप डेविएशन मेथड तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है टोटल 6 कॉलम्स करने पड़ते हैं स्टेप डेविएशन। तो देखिए 6 कॉलम करना पड़ता है तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है यू आई इज इक्वल्स टू क्या होगा डी आई डिवाइडेड बाई जी डी आई डिवाइडेड बाई जी ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। बट यू आई इज इक्वल्स टू डी आई डिवाइडेड बाई जी तो यहाँ पे डी आई डिवाइडेड बाई जी कहीं आपको दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे यू आई इज इक्वल्स टू डी आई डिवाइडेड बाई डी जी है बट हमारा डी आई इज इक्वल्स टू क्या होता है डी आई इज इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए एक्स आई माइनस ए ये हमारा क्या होता है डी आई का फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस डी आई की जगह पे क्या कर सकते हैं ये एक्स आई माइनस ए पुट कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फाइनल फॉर्मूला यू आई इज इक्वल्स टू क्या आएगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई जी ये क्या हमारा फॉर्मूला आएगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई जी। तो हमारा ये फॉर्मूला है कि कहाँ पे देखेंगे एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई जी तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है क्या करेक्ट है देखिए एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई जी। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट देखिए 5th नंबर पे क्या दिया गया है आपको एक टेबल दिया गया है इन्फॉर्मेशन क्या है डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर किलोमीटर पे और नंबर ऑफ कार्स दिए गए और क्या दिया गया है डिस्टेंस दिया गया है। तो पहले देखिए क्या दे रहे द मीडियन क्या करना है आपको मीडियन फाइंड आउट करना है ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर शो इन द अबोव डाटा इज इन द ग्रुप। क्या करना है आपको मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने ये प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस तरह से क्या करना है एक टेबल ड्रॉ करना है एक में आएगा इस तरह से और ये लास्ट वाला ये हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है वो क्या आएगा यहाँ पे आपका आएगा क्लास और यहाँ पे आएगा आपका नंबर ऑफ कार्स और यहाँ पे आएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से आएगा। तो हमारा नंबर कार्स जो है वो टोटल कितने देखिए 12 मतलब हमारा जो क्लास है वो कितना है 12 to 14 है उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो कहाँ है 14 to 16 है उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो क्या है 16 to 18 है और लास्ट क्लास जो हमारी क्या है 18 to 20 इस तरह से ये दिया गया। अब उनके नंबर ऑफ कार्स कितने 11 12 20 and 7 इस तरह से और हम कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से फाइंड करते हैं पहले जिस तरह से करना कार है उसी तरह से उसमें क्या करेंगे 12 में 11 ऐड करो 23 में क्या करना है 20 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 43 में 7 ऐड करो तो 50 यहाँ होगा हमारा 50। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ हमारा जो 50 हो गया तो n इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा n इज इक्वल्स टू आएगा 50
ये होगा हमारा एन, तो एन इज इक्वल टू जो 50 आया है तो अब हम क्या करेंगे इसको हाफ करना है, यानी एन डिवाइडेड बाई 2 जो हम मीडियन के फॉर्मूले में यूज करते हैं, तो इनका हाफ कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू क्या आएगा 25। तो हमें यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट नहीं करना है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। तो 25 से हमने देखा प्रैक्टिस सेट में 25 से थोड़ा बड़ा चाहिए, क्या चाहिए, इससे छोटा नहीं चाहिए, इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे से इससे बड़ा क्या है, देखिए 23 से छोटा है बट 43 से बड़ा है, 50 ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 43 क्लास जो हमने क्या क्या सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो 16 to 80 है वो क्या आएगा हमारा मीडियन आएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखिए क्या है 16 to 80, हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है 6 नंबर पे क्या दिया गया है आपको, एक इसमें भी एक टेबल दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए और जो प्लांट ट्रीज दिए गए वो दिया गया है। उसके बाद क्या करना है आपको, द अबव डाटा इज टू बी शोन बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्या करना है आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टू शो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 4 to 6, क्या करना है आपको 4 to 6 में कितने स्टूडेंट है वो क्या करना है आपको शो करना है। तो चलिए क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, और उसका आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, क्या लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स इस तरह से। तो कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको क्लास मार्क इस तरह से, और कॉमा जो है वो क्या आएगा सेकेंड फ्रिक्वेंसी, ये हो गया। अब क्लास मार्क जो हमारे कितना दिया गया है 4 and 6 दिया गया, यानी 4 + 6 और उसका क्या करेंगे हाफ, और फ्रीक्वेंसी जो है कितनी है 8 इस तरह से, 4 and 6 की फ्रीक्वेंसी जो है क्या 8 है इस तरह से गया। अब इन दोनों की एडिशन करो तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, 8, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, 8 यानी क्या हो जाएगा 10 कर हाफ डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 5 10, यानी 5, 8 जो हमारा क्या आएगा आंसर आएगा 5, 8, तो हमारा 5, 8 जो है क्या ऑप्शन सी है, देखिए 5, 8 ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है MCQ सारे कंप्लीट हो चुका है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।